पाक फौज के अंदर कड़े एहतसाबी अमल की मिसाल, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी स्कैंडल की तहकीकात शुरू। नौमई वाकये में फैज़ हमीद का किरदार अहम है। शरपसंदों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी होगी, टारगेट बताए होंगे। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। सियासी पस मंजर के वाकयात में फैज़ हमीद का हाथ है। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा लाहौर, बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत करवाई। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की खबरों पर MQM मुतहरिक। फारूक सत्तार ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इसाक डार कहते हैं पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, गवर्नर की तब्दीली का फैसला चंद रोज में हो जाएगा। पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा बाई गांव में सुपुर्द खाक, मुहिम जोई के दौरान सर पर चोट लगने से जख्मी हुए, आज दम तोड़ दिया। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मुबारकबाद देने वालों का तांता, मियां चुन्नू में जश्न का समा। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर ने भी 35 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया।